अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं। आज की जो ये वीडियो है ये हमारे प्लान नहीं थी, ये मैं अपनी स्वीट स्वीट व्यूअर अमारा सिंह के लिए बना रही हूं। बिकॉज उन्होंने मेरी एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने रिव्यू दिया था क्रिस्टान के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने कौन सा कंटोरिंग नंबर शेड जो है वो यूज़ किया है। तो मेरे पास कंटोरिंग किट तो थी, ठीक है, पर इसका मुझे शेड नंबर नहीं पता था क्योंकि उसके ऊपर शेड नंबर लिखा नहीं हुआ था और मैं समझ नहीं आती कौन सा शेड है क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा पहले इसको जो बाय किया था तो मुझे समझ नहीं आई थी कौन सा है। तो मैंने कहा चलो आप टेंशन ना लें, मैं मार्केट जाऊंगी और इसकी शेड नंबर आपको पता करके बता दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अगर मैं ये ना लेना हुआ, कोई और शेड लेना हुआ तो मैं वो भी दिखा देती हूँ कि बाकी शेड्स हैं, जो आप उस शेड सही लगता है आप उसके हिसाब से आप ले लें। तो मेरे पास क्रिस्टाइन की जो फेस कंटोरिंग शेड थी वो ये कलर था। सॉरी ये टूटा हुआ है, ये मैं काफ़ी था, पता नहीं मेरे हाथों में क्या मसला है, मेरे चीज़ें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। तो ये जो है मैं यूज़ करती हूँ शेड, ये टूट गया है। अब इसका असल खूबसूरत चेहरा मैं आपको दिखाती हूँ ये है कौन सा। पहला जो है, वैसे पहला नंबर जो है क्रिस्टाइन का वो है ये वन नंबर है इसके अंदर और ये सेकंड नंबर है। ये जरा लाइटर है और ये जरा डार्कर है, ठीक है। इसके साथ उन्होंने ब्रश भी दिया होता है, ब्रश भी इनका अच्छा होता है। आप ये भी कंटोरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास है कंटोरिंग का ब्रश तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बाय करने की जरूरत नहीं है आपको। ये नंबर वन है। सेकेंड जो है वो ये कलर है, ये वन नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। ये जरा पिछले वाले से डार्कर है और ये उससे भी ज्यादा डार्कर। इन सब के साथ ब्रश मौजूद होते हैं और ये देखिए ये वाला शेड था जो मेरे पास मौजूद था और मेरे से टूट गया, ठीक है। ये वाला तो जी आप सही कह रही थी कि मैं इसको अपने आईब्रोज पे भी आप लगा सकते हैं और इसको मैं अपने ना सिर्फ अपनी आईब्रोज के ऊपर लगाती हूँ बल्कि मैं अक्सर अपने आई मेकअप के दौरान भी इसको यूज कर लेती हूँ, ठीक है। और सिर्फ मेकअप के दौरान भी नहीं, मैं इसको काफ़ी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। मेरी मम्मा है तो उनके बालों का कलर डार्क ब्राउन है, तो मैं उनकी जहाँ पे उनकी स्कैल्प शो हो रही होती है तो मैं उस जगह पे भी इनका जो ये वाला शेड अप्लाई कर देती हूँ ताकि जो उनकी स्कैल्प है वो नजर ना आए और वो बाकी छुप जाती है, जिस तरह आपने देखा ही होगा वीडियोस के अंदर। तो ये ना सिर्फ तो पता ही नहीं चलता कि यार इसके बाल हेल्दी हैं या थिन है, किस तरह के इसके बालों में टेक्सचर है। तो आप इस तरह लगा के भी जो है अपने बालों को छुपा सकते हैं। ये मैं तीन तरह से इस शेड को यूज करती हूँ और ये शेड नंबर 3 है, ठीक है। शेड नंबर 4 भी है, ये उससे भी ज्यादा डार्कर है। ये है 1 और इसका 2, देख रहे हैं कितना डार्क है। अब मैं आपके लिए इसको सबको खोल के दिखाती हूँ कि ये इनके असल में आपको पता चल जाएगा फर्क क्या क्या है, ठीक है। ये है इनके चारों शेड्स, आपने अच्छी तरह से देख लिए। आप इनमें से कोई भी अपने स्किन कलर के हिसाब से चूज कर लें और उसको अप्लाई कर लें। ये वैसे जब मैंने बाय किया था तब मुझे पता नहीं था कि इसका कंटोरिंग का शेड मेरे लिए सूट करेगा या नहीं। दरअसल ये मैं जरा कलर मेरा फेयर है, फेस का मेरा हाल अपने हैंड से ज़्यादा मेरा फेयर है कलर, तो उसके ऊपर जब मैंने ये अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा डार्क लगने लग गया था, एक जगह ऐसे लगे से ब्लैक हो गई है। तो अगर आप खाली आईब्रोज वगैरह के लिए चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंटोरिंग के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते, पर आपको बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट, हल्की सी अमाउंट, जिस तरह ये है ना आपने इस तरह हल्की सी अमाउंट ली, इसको अच्छी तरह से अपने हाथ पे किया, देन आप अपनी जो एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि ज़्यादा डार्कर ना लगे। बल्कि अब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि ये चार वो शेड्स हैं, ठीक है। हमारे स्पेशली आपके लिए वीडियो मैंने बनाई है, मैंने कहा कि अब मैं आपको एक क्या ला के दिखाऊँ, आपको पता चल जाएगा कि इनके अंदर कितने शेड्स मौजूद है और आपके स्किन के लिए कौन सा सही है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको आप मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं।
मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी ख्वाहिश को पूरा करूँ। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।